नमस्कार, मैं हूँ धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर सिहोरा के बंदरकुला धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम, अन्नदाता किसान परेशान है, जिसको लेकर किसानों ने अपनी आपबीती बताई। किसानों को मैसेज देने के बाद भी उनके धान तलाई कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा। किसान अपने धान को लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तुलाई कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, बारदानों की कमी हुई है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। किसानों ने बताया है कि यहाँ पर 4 समितियां निर्धारित की गई है, जिससे कि अव्यवस्थाएं फैल गई है। जो जिम्मेदार अधिकारी है वो मौजूद नहीं रहता। उनके मोबाइल नंबर भी समस्या के लिए दिए गए हैं, पर मोबाइल चालू नहीं रहता। जब शिकायतकर्ता अपनी समस्या को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों का फोन लगाता है तो वो नहीं लगता है। ऐसे में ये खरीदी केंद्र में किस तरीके का कार्य किया जा रहा है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। अन्नदाता स्वयं अपने अन्न को लेकर खरीदी केंद्र में खड़ा है और अपनी आपबीती बयां कर रहा है। जबलपुर से बाजिद खान की रिपोर्ट। चौधरी, एक दिन में धान पक गई, ये बताओ ना, बाई हो गए, काट हो गए, तोल गई, तो धैर्य रखो ना। 10 मिनट एक आदमी काम कर रहा है, सब किसान एक धान लिए ले रहे हैं, सब किसान एक से हम कह रहे हैं लाइन से काम चलन देना, उन्हीं करन दे सकते हैं। बात ही अब इधर इधर कर रहे हैं या अपने अपने का। अरे लाइन से निकल दे, लाइन से निकल, हाथ में ना गए मैं, मैं हाथ बिल्कुल हाथ में भाई। ओए किसान बताता ही नहीं, लाइन डलवा के लाया। क्या कितना तुल रहा? ये हमारा आज की लास्ट डेट है सर, इसकी डेट निकल गई और भाई भाई किसान लोग लूट फूट कर लिए, किसानों को मिल ही नहीं रही कट्टी, ये क्या है? आज आखिरी डेट थी जी। जी सर, और बारदाना नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया और लास्ट डेट चली गई 150 क्विंटल की, क्या करें हम? कौन सा केंद्र है ये? ये सेलवारा सर, सेलवारा। तो आप लोगों को और कौन सी दिक्कतें आ रही हैं इधर? कितने बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है सर, 5 दिन से माल जला है, मौसम खराब है, यहाँ हमारा पीटी भी हुई है, अभी टूट फूट हुई है। जी जी सर, कौन लोग थे जिन्होंने मारा पीटी की केंद्र के? समझ में नहीं आ रहा सर, यहाँ पे प्रभारी है क्या? प्रभारी है नहीं है सर, सारे गए, भग गए सब लोग, चारों प्रभारी भग गए, सब भग गए। कोई अधिकारी आया मौके पे? कोई नहीं आया सर, कोई अधिकारी नहीं आया, ना SDM ना तहसीलदार, कोई नहीं आया सर, ना पुलिस, नहीं कोई नहीं आया। तहसीलदार साहब आए हैं अभी। कौन सा ये लगता है? सेलवारा सर। अपना वहाँ पे आज बारदाना आया और वहाँ पे जो 6 नंबर की, जिसकी मान लो कि लास्ट डेट थी आज 6 तारीख की, उसको बारदाना नहीं मिल पाया, लुट गया बारदाना। 6 तारीख के कितने जितने भी रजिस्ट्रेशन थे, ज़्यादा तो थे नहीं, 20-25 रजिस्ट्रेशन रहे होंगे लास्ट डेट के, उनको भी पूरा बारदाना नहीं मिल पाया। 30-35-40 हज़ार बारदाना आया और एकदम लूट हो गई। कोई मतलब सिस्टम है नहीं है, कोई सिस्टम ठीक ठाक चल नहीं रहा है, जिसको जितना आया उतना ले लिए, लूट लिए, ट्रक पे चढ़ किसान के लूटपाट भी भाई है। हम बारदाने को लेके हुई है ना लूटपाट हुई है, अब किसान चढ़ गया है पूरा। भाई जिसकी लास्ट डेट है वो तो लूटेगा ही, क्योंकि जो सिस्टम है वो है ही नहीं वहाँ पर। यहाँ के प्रभारी कहाँ है? प्रभारी सामने नहीं आए हैं, ना प्रभारी सामने आए हैं, ना कोई वहाँ पे सरकारी कर्मचारी था। क्या एक ये भी वजह है कि चारों सोसाइटियों को इकट्ठा कर दिया गया? इकट्ठा नहीं किया गया, अलग अलग है, पूरा सिस्टम अलग अलग है। आज जो मझगवा में हुआ है वो ये, प्रभारी सामने नहीं आए हैं, कोई अधिकारी सामने नहीं था, किसान खुद ले लिए जिसको जितना लगा जो कुछ हुआ। और जो छोटे किसान है वो परेशान है बहुत ज़्यादा, उनको कुछ मिला नहीं है वहाँ पे। आज लास्ट डेट उनकी निकल जाएगी, दूसरा मैसेज आता है नहीं आता, पता नहीं कब आएगा। ठीक, बड़ी समस्या। इसी तरह खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।